दोस्तों, आज हम आपको शशांक खेतान सर के डायरेक्टर करियर के बारे में बताएंगे। शशांक खेतान सर ने 2014 में आई मूवी हम्पी शर्मा की दुल्हनिया से अपने डायरेक्टर करियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में वरुण धवन, आलिया भट्ट, आशुतोष राणा और सिद्धार्थ शुक्ला शामिल थे। इस मूवी का बजट 33 करोड़ रहा। भारत में कमाई 96 करोड़ 84 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 110 करोड़ 76 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2017 में शशांक खेतान सर की मूवी आई बद्रीनाथ की दुल्हनिया। इस मूवी के लीड कास्ट में वरुण धवन, आलिया भट्ट और साहिल बेद शामिल थे। इस मूवी का बजट 44 करोड़ रहा। भारत में कमाई 158 करोड़ 57 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 194 करोड़ 81 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2018 में शशांक खेतान सर की मूवी आई धड़क। इस मूवी के लीड कास्ट में ईशान खेतन और जाह्नवी कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 41 करोड़ रहा। भारत में कमाई 92 करोड़ 26 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 111 करोड़ 78 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2019 में डायरेक्टर राज मेहता की मूवी आई गुड न्यूज। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे शशांक खेतान। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत और कियारा आडवाणी शामिल थे। इस मूवी का बजट 105 करोड़ रहा। भारत में कमाई 205 करोड़ 14 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 318 करोड़ 57 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2020 में डायरेक्टर भानु प्रताप सिंह की मूवी आई भूत पार्ट 1। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे शशांक खेतान। इस फिल्म के लीड कास्ट में विक्की कौशल और भूमि पेडनेकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 28 करोड़ रहा। भारत में कमाई 30 करोड़ 68 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 40 करोड़ 70 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की मूवी आई दिल बेचारा। इस मूवी के राइटर थे शशांक खेतान। इस मूवी के लीड कास्ट में सुशांत सिंह राजपूत, संजना सेंगी और साहिल भेद शामिल थे। यह मूवी ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। यह मूवी सुशांत सिंह राजपूत के कैरियर की आखिरी मूवी थी। उनकी मृत्यु के बाद यह मूवी रिलीज हुई थी। 2021 में डायरेक्टर शशांक खेतान, राज मेहता और नीरज बघियान की मूवी आई अजीब दास्तान। यह मूवी ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर दिखाई गई थी। 2022 में शशांक खेतान की मूवी आई मेरा नाम गोविंदा। इस मूवी के लीड कास्ट में विक्की कौशल, कियारा आडवाणी शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 करोड़ रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 62 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2023 में शशांक खेतान सर की आने वाली मूवी बेधड़क मूवी है। दोस्तों, आपको शशांक खेतान सर की कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू।